जगप्रसिद्ध नांदेडच्या चकखंड गुरुद्वारा बोर्डाच्या अधिनियमात बदल करून राज्यातील सरकारने या धार्मिक संस्थेवर नियंत्रण करण्याच्या भूमिकेचा निषेध म्हणून आज नागपूरच्या शीख बांधवांनी मोर्चा काढून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ये हमारे मुद्दे जो है अभी थोड़े दिन पहले सरकार एक नया कानून लेके आई महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वो जो 1956 में जो विधान बना हुआ था हमारे गुरुद्वारे का उसको ख़त्म करके एक नया एक कानून लेके आए हैं अभी 24 में, और जो सिखों को मंजूर नहीं है उसके अनुसार इनके सरकार के 12 मेंबर जो एक गुरुद्वारे में घुसाना चाहते हैं, जो हमारी कमेटी के 17 मेंबर हैं उसमें 12 मेंबर ये अपना घुसाना चाहते हैं जो हम लोगों को मंजूर नहीं है, और धीरे धीरे गुरुद्वारों में घुसना चाहती है, राजनीति घुसेड़ के गुरुद्वारे के सिद्धांत को खराब करना चाहती है. हमारा जो गुरुद्वारे का सिद्धांत है एक अकाल पुरख का सिद्धांत है. हम लोग हमारे गुरुद्वारे में गुरबानी के ज्ञान द्वारा एक एक अकाल पुरख को माना जाता है, मनुखता के अंदर उसको देखा जाता है, पूरी मनुखता से प्यार करते हैं, उसमें हमारे कोई देवी देवता किसी को भी नहीं माना जाता, हम लोग उसमें नहीं मानते. ये हमारे लोगों का सिख समाज का ये एक रोष है, ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो दादागिरी कर रही है ये गवर्नमेंट ने करना नहीं चाहिए. जो हमारा हजूर साहब नांदेड़ साहब सचखंड गुरुद्वारे में जो इन्होंने अपना एक्ट जो 1956 से चलता आ रहा है उसका बदलाव 2024 में ये नवा लाने को चाह रहे हैं, पर हमारा कहना ये है कि आप इसको लाने का कोई जरूरत नहीं, तो आपको गुरुद्वारे में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, चर्च में नहीं, कहीं पर भी नहीं. आप दादागिरी कर रहे हैं, जहाँ देखो दादागिरी कर रहे हैं, दादागिरी हम इनके चलने नहीं देंगे, और ये 2024 का जो भी इनका ये एक्ट लगा रहे हैं इसको आप वापस ले लो और लिखित में हमको वापस दो, हम आश्वासन पर नहीं तोड़ेंगे इसको, और जो भी है हम आगे भी ये विरोध करते रहेंगे, अभी भी कर रहे हैं, आगे हमारे जो भी हमारे भाई बहन जो पूरे देश के अंदर में इसका विरोध कर रहे हैं और महाराष्ट्र के अंदर में पूरा विरोध चल रहा है.